उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज की, इसलिए आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं बहुत ही खास मेहमान। सबसे पहले हम आपको उनसे इंट्रोडक्शन कराते हैं। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज से मिस्टर युगल पचौरी जी, जो की एक उन्नति कॉलेज में एक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर कार्यरत है। युगल जी, आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम गुरुकुल में। दर्शकों, जिस प्रकार से आज हम चर्चा अपनी शुरू करने वाले हैं उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज के बारे में, तो आज हम सबसे पहले युगल जी से जानना चाहेंगे कि इस कॉलेज की, जो देखा जाता है कि आजकल कोई भी कॉलेज है उसकी हम स्थापना पर ज्यादा जोर देते हैं, क्योंकि हम देखना चाहते हैं उसकी नींव किस प्रकार से शुरू हुई और क्या कुछ उसमें नया आया। अगर युगल जी हम आपसे जानना चाहें इस कॉलेज के बारे में, तो आपका क्या कहना है? उन्नति जिस प्रकार से इसका नाम रखा गया है, क्योंकि देखा जाता है कि किसी चीज की ओर अग्रसर कर रहा है, और आज के हम कॉलेज में सोसाइटी की बात करें तो हर कोई बच्चा चाहता है कि वो आगे बढ़े, तो आपके हिसाब से कॉलेज के बारे में आप हमारे दर्शकों को जानकारी दीजिए कि इसकी शुरुआत किस प्रकार से हुई। जी। बिल्कुल, हमारे कॉलेज की जो फाउंडेशन है वो 2009 से है। ओके। और हम 2009 से कॉलेज हमने स्टार्ट किया MBA से, सबसे पहले MBA से स्टार्ट किया था, उसके बाद हमने फर्दर और कोर्सेज लेके आ गए, लेकिन जो हमने हमारे जो कॉलेज का नाम है उन्नति, वो हमने इस उद्देश्य से रखा है जिससे कि शिक्षा को हम आगे लेके जाएं। तो उन्नति नाम शिक्षा का जो हमारा उद्देश्य है उसको साबित करते हुए हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। जी बिल्कुल दर्शकों, क्योंकि देखा जा सकता है काफी साल हो चुके हैं कॉलेज को आए हुए, उस हिसाब से अगर हम ये बात करते हैं युगल जी की, कॉलेज में जिस प्रकार से आप बता रहे हैं, तो ये किस प्रकार से एफिलेटेड है और किस प्रकार से इसकी और भी, क्योंकि ग्रुप कहा जा रहा है ये, तो ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, तो कितने कॉलेज इसके साथ और जुड़े हुए हैं इसी की ब्रांचेस की बात करें। इन अवर ग्रुप देयर आर 3 कॉलेजेस। ओके। नंबर 1, फर्स्ट कॉलेज जो 2009 में एस्टेब्लिश्ड हुआ था, दैट इज उन्नति मैनेजमेंट कॉलेज, जहां पर हम MBA कोर्स कराते हैं, एंड ये है एफिलेटेड हमारा UPTU, जिसका एट प्रेजेंट में नाम हो गया APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, और इसका कॉलेज कोड है 605। जी। उसके बाद हमारा सेकंड कॉलेज है जो है उन्नति मैनेजमेंट कॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, दिस इज फॉर द पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक में कोर्स कराता है, और इसका जो हमारा कॉलेज कोड है वो है 623। उसके बाद हमारा जो लास्ट कॉलेज है वो है आगरा एजुकेशन कॉलेज, जो कि ये हमारा BEd कराता है, और इसका कॉलेज कोड है 962। जी, यानी कि कह सकते हैं कि 3 जो इसके ब्रांचेस हैं वो जुड़े हुए हैं इसके साथ में। हाँ। और अगर जगह की बात करें तो सारे आगरा में है या कहीं और है? जी, दे आर इन ऑल आगरा ओनली। जी बिल्कुल, एक कह सकते हैं जो हमारे आगरा के जो लोग हैं उनके लिए भी एक अच्छी चीज है, क्योंकि जिस तरह का UPTU इन्होंने बताया और बाकी के सारे जो मैनेजमेंट कॉलेज हैं वो भी इस तरीके से इससे जुड़े हुए हैं। अगर हम ये बात करें, क्योंकि देखा जाता है स्टूडेंट ज्यादा फोकस करते हैं कि उनके जो कॉलेज, जिस कॉलेज में वो जा रहे हैं उसमें कोर्स कौन कौन से ऑफर उन्हें कराए जाते हैं, उन्नति की बात करें तो किस प्रकार के कोर्सेज हैं जो ऑफर कराए जाते हैं बच्चों के लिए? जी, हमारे यहाँ कोर्सेज हैं, वी आर रनिंग 4 कोर्सेज इन आवर कॉलेज। नंबर 1 इज MBA। आफ्टर दैट वी हैव PGDM, दैट इज इक्विवेलेंट टू MBA। PGDM इज एफिलिएटेड टू SIT एंड AICTE। AICTE हैज गिवन ऑल राइट्स टू अस सो दैट वी कैन रन द PGDM कोर्स, एंड आफ्टर दैट वी हैव BEd कोर्स, BEd from Agra University, एंड ऑल्सो द पॉलिटेक्निक, दैट इज फ्रॉम बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन लखनऊ। ओके, मतलब कह सकते हैं कि ये भी एक बच्चों के लिए सुविधा वाली बात हो जाएगी, क्योंकि हर तरीके का कोर्स उन्हें यहाँ पर ऑफर कराया जा रहा है। जी, क्योंकि उनके ध्यान में रखते ही होगी, क्योंकि किसी भी कॉलेज को अगर हम शुरू करते हैं तो वहाँ पे देखते हैं कि बच्चों की सुविधा के लिए वहाँ पर उन्हें क्या क्या सुविधाएं दे सकते हैं, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि वो जिस कॉलेज में जब प्रॉपर तरीके से उसकी स्टडी हो, क्योंकि वो आगे अपने फ्यूचर के लिए ज्यादा सोचता है। अगर यहाँ पर बात करें सुविधाओं की बात करें, तो जिस प्रकार से आपको कॉलेज में एडमिशन मिलते हैं, तो क्या कुछ सुविधा उनको प्रोवाइड कराई जाती है कॉलेज की तरफ से? बिल्कुल, हमारा जो मेन फोकस रहता है वो स्टूडेंट्स के ऊपर रहता है। हम, क्योंकि जो कॉलेज की जो सक्सेस डिपेंड करती है वो स्टूडेंट्स के ऊपर ही डिपेंड करती है, तो हम स्टूडेंट्स को टोटली बस फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, जो कि टोटली फ्री है, एंड फ्री वाईफाई कैंपस है, एंड इट्स अ टोटली AC कैंपस, ऑल द क्लासरूम्स एंड ऑल द ऑफिसेज इज टोटली AC, एंड इवन आवर ऑल लैब्स आर वेल इक्विप्ड विद ऑल द इक्विपमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ऑल द कोर्सेज। क्योंकि बसेस की जिस प्रकार से आप सुविधा की बात करें, क्योंकि आजकल देखा जाता है लड़कियों की, महिलाओं की उस पर जो एजुकेशन पे काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, साथ में साथ में उनकी सेफ्टी पर भी काफी ज्यादा जोर दिया जाता है, तो वहां पर उनके लिए एक अच्छा सौदा हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से उनकी आने जाने में काफी दिक्कतों का उन्हें सामना करना पड़ता है, वहां पर उन्हें अगर बस की सुविधा मिलती है तो काफी हद तक उनको एडमिशन लेने में कोई दिक्कत नहीं होती होगी। और साथ में जिस प्रकार से इंटरनेट का जमाना चल चुका है, काफी हद तक लाइफस्टाइल हमारी चेंज हो चुकी है, वहां पर आपको वाईफाई की प्रॉपर तरीके से टेक्निकल सुविधा मिल रही है, तो इसके लिए भी उनके लिए आगे बढ़ने के लिए काफी हद तक उन्नति, आपको काफी हद तक उन्नति के पथ पर अग्रसर करने के लिए काफी अच्छा कॉलेज ही आपके लिए है।
अगर यहाँ पर हम बात करें युगल जी, क्योंकि काफी हद तक देखा जाता है कि आजकल जो स्टडी हम पढ़ाई देखना उसका स्तर काफी नीचे जा चुका है, लोगों की मेंटेलिटी एकदम चेंज हो चुकी है, वो ये सिर्फ जॉब पे फोकस करते कि अच्छी जॉब मिल जाए, उतनी हमें स्टडी काफी है, उतनी पढ़ाई हमें काफी है। उस हिसाब से आपका क्या मानना है, किस प्रकार की एजुकेशन जो बच्चे हैं उनको मिलनी चाहिए? देखिए, आपने बहुत सही पॉइंट है कि आजकल जो है एजुकेशन का स्तर थोड़ा डाउन हो गया है। इसका मेरे हिसाब से जो मेन रीजन जो मुझे लगता है वो ये है कि एक तो यूनिवर्सिटीज ने इतने ज्यादा कॉलेजेस खोल रखे हैं, तो यूनिवर्सिटी ने उनकी गुणवत्ता के ऊपर ध्यान नहीं दिया। बिल्कुल। तो फिर और मेरे हिसाब से उनको लिमिटेड जो 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 स्टार्टिंग से अच्छा करते आ रहे हैं सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस को आगे बढ़ने का मौका दे, क्योंकि स्टूडेंट्स तो जानते नहीं है, स्टूडेंट्स तो सिर्फ कॉलेज के में एडमिशन ले लिया, लेकिन यूनिवर्सिटी रेगुलेशन प्रॉपर नहीं कर पाती है, इसीलिए थोड़ा सा स्टेटस डाउन हो रहा है एजुकेशन। तो किस प्रकार की सुविधा आपके कॉलेज के अकॉर्डिंग बच्चों को मिलती है कि वो ज्यादा फोकस आपके स्कूल पे करे, क्या किस प्रकार की, क्योंकि फैकल्टी पे हम बात करें, किस प्रकार की फैकल्टी होती है जो अच्छे से बच्चों को समझ सके, बच्चे टीचर्स को समझ सके, क्योंकि वो एक जो पायदान होता है वो बहुत ज्यादा पूर्ण हो जाता है। जी देखिए, फैकल्टीज की बात करें तो हमारे यहाँ जो फैकल्टीज हैं सारी टॉप रैंक की फैकल्टीज हैं, दे आर फ्रॉम आईआईटीज एंड दे आर फ्रॉम आईआईएम्स, बीएचयू एंड फ्रॉम एएमयू अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, वहाँ से फैकल्टीज हैं, और इसके अलावा जितनी भी टॉप यूनिवर्सिटीज हैं वहाँ से हमारी फैकल्टीज हैं। और हम तो क्योंकि शिक्षा का स्तर हमें आगे ले जाना है, इसीलिए हम अच्छी फैकल्टीज को रखते हैं। जी, क्योंकि हर कोई चाहता है कि अगर उनका कॉलेज आगे इतना आगे बढ़ रहा है, एक अच्छी उन्होंने शुरुआत की है, तो उनके कॉलेज के जो स्टूडेंट हो जो वहाँ से बाहर निकले वो अच्छी जगह जो है, इसलिए आपके कॉलेज का जो आपको प्लेसमेंट मिलना है वो भी एक अच्छे कॉलेज से होना चाहिए, और अच्छे से उनको जो जॉब है उनके वो फोकस पे रहनी चाहिए। क्योंकि अगर हम यह बात करते हैं एक अच्छी स्टडी लेने के बाद हम पूरा फोकस करते हैं कि किस प्रकार की आपको जॉब मिल रही है जो कि आपकी फ्यूचर को और ब्राइट कर सकती है, आपके पेरेंट्स का एक नाम कहते हैं उसको ऊंचा कर सकती है, तो प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो उन्नति को आपने जिस तरीके से बताया कि 7-8 साल हो चुके हैं इस कॉलेज को, तो किस प्रकार का प्लेसमेंट बच्चों को मिल रहा है, किस प्रकार का बच्चों की तरफ से आपके कॉलेज को फीडबैक मिल रहा है, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब तक हमें किसी चीज का फीडबैक ना मिले। एग्जैक्टली। सी, देखिए, आप जो हमारे जो कोर्सेज हैं वो सारे प्रोफेशनल कोर्स हैं, और प्रोफेशनल कोर्स की सक्सेस तभी मानी जाती है जब आपका कॉलेज आपको प्लेसमेंट कराता है। तो प्लेसमेंट का ये है कि हम जिन बच्चे के 60% मार्क्स आते हैं उनको हम 100% प्लेसमेंट कराने की गारंटी देते हैं, और इससे पहले हमारे जो प्लेस्ड बच्चे हुए हैं महिंद्रा में प्लेस्ड हुए हैं, काफी SDFC बैंक में प्लेस्ड हुए हैं, एक्सिस बैंक में प्लेस्ड हुए हैं, तो प्लेसमेंट ऑलमोस्ट वी आर गिविंग टू दी 100% प्लेसमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है। और हमारे कॉलेज ने एक और स्कीम निकाली है जिसमें कि अगर कोई बच्चा 75% एक्सटर्नल मार्क्स लेकर आता है तो उसको हम फ्री लैपटॉप प्रोवाइड करा रहे हैं। ये भी बहुत ज्यादा अच्छी बात है, इससे बच्चे का जो और आगे बढ़ने का सपना होता है वो ज्यादा और स्टिल मजबूत होता है, क्योंकि उसको ये लगता है कि अगर मैं इतनी अच्छी परसेंटेज ला रहा हूँ तो मुझे एक लैपटॉप मिल रहा है, साथ में वाईफाई का कनेक्शन भी है, साथ में उसको एक अच्छा ब्राइट फ्यूचर भी मिल रहा है, जहां जहां की वो अपनी एक अच्छी नौकरी पा सकता है और अच्छे से अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकता है। अगर हम यह बात करें, ये भी देखा जाता है आजकल की जिस प्रकार से आपका उन्नति जो ग्रुप ऑफ कॉलेज है काफी हद तक बच्चों को सहयोग कर रहा है, अगर हमें बात करें देखा जाता है कि आजकल जो शिक्षित युवा है वो आजकल काफी हद तक बेरोजगारी के कगार पर है, वो अच्छे एजुकेशन गेन करें सारी चीज उनके पास प्रॉपर है बट उनके पास एक अच्छी नौकरी नहीं है, उसके लिए हम उन्नति को काफी धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि उनके कॉलेज के स्टूडेंट्स जो है वो अच्छी जॉब पा रहे हैं, अच्छा प्लेसमेंट उन्हें मिल रहा है, लेकिन इवन इसके बाद भी देखा जाता है कि जो अच्छे से वेल क्वालिफाइड है उनके पास नौकरी नहीं है, तो इसके बारे में आप क्या अपनी राय रखना चाहेंगे? जी देखिए, इसके बारे में ये राय रखना चाहूंगा, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को भी अपने आप को थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल बनना पड़ेगा, क्योंकि जो कॉलेज की पहचान होती है वो स्टूडेंट से है, और किसी भी कॉलेज की हो या फिर किसी कंट्री की पहचान हो वो स्टूडेंट से ही है। तो यहाँ तक है, मैं उनको ये राय देना चाहूंगा कि वो थोड़े से अगर एफर्ट्स लगा रहे हैं, अगर मान लीजिए फर्स्ट एफर्ट में वो सक्सेसफुल नहीं है तो उनको एफर्ट्स लगाना ना भूलें, वो कंटिन्यूसली एफर्ट्स लगाते रहेंगे तो दे विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। और हमें फ्रॉम द एजुकेशन फील्ड आई मस्ट से दैट टेक्निकल एजुकेशन की तरफ आगे बढ़े तो आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा, क्योंकि आप तक ही सीमित नहीं रह जाती आपकी नौकरी, उसके बाद आपके कॉलेज का नाम होता है, आपके पेरेंट्स का नाम होता है, क्योंकि अगर हम फिलहाल की ही बात करें जिस प्रकार से ओलंपिक हमने देखा भारत को, उसमें आपका ही नाम रोशन नहीं हुआ, आपके शहर का हुआ, आपके कॉलेज का हुआ, आपके देश का हुआ, तो उसी प्रकार से एक एजुकेशन की बात भी यहाँ पर आती है, आपके साथ आपकी बहुत सारे पीछे जुड़ाव रहता है जिसकी वजह से आप एक अच्छी नौकरी पा सकते हैं और अच्छे से तरक्की कर पाते हैं। क्योंकि आज का युगल जी ये भी देखा जाता है कि
कि जो बेरोजगार लोग होते हैं, साथ में जो गांव के लोग होते हैं, कुछ पिछड़ी जातियां होती हैं, वहां पर भी उनकी स्टडी पे इतनी तरह से फोकस नहीं किया जाता। उसके हिसाब से आपकी राय जानना चाहें, आपकी उन्नति कॉलेज, उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज के साथ जानना चाहें कि किस प्रकार का सहयोग आप उन लोगों को प्रदान करा पाते हैं जिससे कि वो आगे बढ़ सके, उनको क्या क्या वो सुविधाएं मुहैया आप करा सकते हैं, क्योंकि वो जिस एरिया में रहते हैं वहाँ पे इतनी सारी सुविधा आई थिंक प्रोवाइड नहीं हो पाती होंगी। जी देखिए, हम जो गांव की बात करें, गांव के बच्चों में क्या होता है, इतना एक्सपोजर नहीं होता। जी बिल्कुल। तो हम चाहे हम इक्विवेलेंट उनको लेके चलते हैं। जी। फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, बस फैसिलिटी जो प्रोवाइड करा रहे हैं वो टोटली फ्री है। वी आर नॉट चार्जिंग एनी वन पैसा फॉर द बस फैसिलिटी, इवन द वाईफाई इज फ्री। और जो और हमने सारी कैटेगरीज के स्टूडेंट का ध्यान रखा है। आप जानते हैं कि एससी एसटी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है दैट इज टोटली फ्री, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। बस केवल जो जनरल और ओबीसी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने फीस रखा हुआ है 10,000 रुपीज, विच इज वेरी मिनिमम, और इससे फीस कम किसी भी कॉलेज में नहीं हो सकती। वर्ल्ड के किसी कॉलेज में इससे फीस इतनी कम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है जो गांव के से लोग आते हैं, जो उनके लिए भी आपने प्रॉपर तरीके से बसों की सुविधा रखी हुई है और अच्छे से वो आ जा सकते हैं, अच्छे से अपनी स्टडी गेन कर सकते हैं, क्योंकि काफी कॉलेज में देखा जाता है उनके साथ जो भेदभाव देखा जाता है वो भी काफी हद तक आजकल देखा जाता है ज्यादा बढ़ गया। कॉलेज उन्हें एडमिशन नहीं देते उन बच्चों को जो पिछड़ी जाति से आते हैं, क्योंकि आजकल ये केसेस भी बहुत देखे जाते हैं। जी बिल्कुल। दर्शकों, जिस प्रकार से आज हम बात कर रहे हैं उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज के बारे में डॉक्टर प्रोफेसर युगल पचौरी जी से, जिनके द्वारा हम जान पा रहे हैं कि उन्नति किस प्रकार से आपको उन्नति मिल सकती है और एक अच्छे कॉलेज में जाके आप किस प्रकार से उन्नति गेन कर सकते हैं और अपने फ्यूचर को और ज्यादा ब्राइट कर सकते हैं। फिलहाल दर्शकों, हमारे इस खास प्रोग्राम में वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा। ब्रेक के बाद हम जारी रखेंगे किस प्रकार से उन्नति आपको और मिल सकती है एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके। जल्द हाजिर हो रहे हैं। ठीक है सर, आवाज सुन मेरे मुंह से पहले निकला डॉक्टर एमपीएस। अच्छा। उसके साथ में 2-3 कर चुकी हूँ ना, इसीलिए मतलब फर्स्ट टाइम इसे नर्वस, स्टार्टिंग में थोड़ी नर्वस हो रही थी, फिर थोड़ा सा वो हो जाता है क्या। ओके, सुविधाओं पर आएंगे हम। अच्छा, कौन सा क्या किया है? नहीं, इतने सारे कॉलेजेस ये डिस्कस किया था मैंने सर से। हाँ नहीं, और क्या, इतने ज़्यादा कॉलेजेस, तभी तो हम यूनिवर्सिटी चाहते हैं कि हम यूनिवर्सिटी बने। कॉलेज तो हो जाए लेकिन उनका एक मापदंड होना चाहिए। अच्छा, हाँ नहीं, आगे का फ्यूचर की प्लानिंग है ये हमारी, विद इन 5 ईयर्स हम यूनिवर्सिटी खोलेंगे। एंड में जोड़ देना इसको कि हम फ्यूचर में प्लानिंग ऐसा करने वाले हैं, कर रहे हैं। okay. अभी फिलहाल का उसको तो हटा दीजिएगा अपने हिसाब से। ठीक है, एंड में एक बार और ले लेंगे। अच्छा, गवर्नमेंट की तरफ से फीस एक डिसाइडेड है? हाँ, दैट इज डिसाइडेड फीस है, वो एमबीए के लिए 82,500 है। क्या कहता है, सुनाई देता है? हम्म,
दर्शकों, ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम गुरुकुल में, जहां आज हम चर्चा करें मिस्टर युगल पचौरी जी के साथ, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज के। युगल जी, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे। जिस प्रकार से हम चर्चा कर रहे थे कि आजकल देखा जाता है पढ़ाई का जो स्तर है वो किस प्रकार से गिर रहा है, किस प्रकार से हमें एक अच्छे कॉलेज की तलाश रहती है, और एक अच्छे कॉलेज के लिए हम चर्चा कर रहे हैं उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज की, जहां पर जाके आप अच्छी एजुकेशन गेन कर सकते हैं, अच्छी फैकल्टी आपको मिल सकती है, अच्छी टेक्नोलॉजी आपको मिल सकती है, अच्छी लैब आपको मिल सकती है, और साथ ही साथ काफी सारी सुविधाएं हैं जो आपको मुहैया कराई जा रही है एक अच्छे फ्यूचर के लिए। चर्चा को हम आगे बढ़ा रहे हैं। एक ये भी स्टूडेंट्स के मन में सवाल उठता है, देखा जाता है कि आजकल ये देखना चाहते हैं कि विच कॉलेज इज बेस्ट, कौन सा कॉलेज उनके लिए अच्छा है और क्या क्या सुविधाएं प्रॉपर तरीके से उन्हें मिल रही है, तो वो कैसे चूज कर पाएंगे कि आपका कॉलेज बेस्ट है और कॉलेज से ऐसी क्या खासियत है आपके कॉलेज की, वो जानना चाहेंगे। हमारे कॉलेज की जो खासियत है वो ये है कि हम जो करिकुलम में जो चीज़ें डिसाइड की हैं उसके अकॉर्डिंग चलते हैं। अच्छा। हम जो यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। यूनिवर्सिटी ने कहा है कि फ्री वाईफाई कैंपस होना चाहिए और बस फैसिलिटी है स्टूडेंट्स के लिए प्रोवाइड किया जाना चाहिए, और इवन जो सिलेबस का टाइम टू टाइम कंप्लीट करते हैं, इंटरनल एग्जाम्स टाइम पर होते हैं, बाकी एक्सटर्नल एग्जाम्स के लिए उनको थोरो प्रिपरेशन कराई जाती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें और बाकी कॉलेज से थोड़ा सा हटकर बताती हैं, जिससे कि बच्चे हमारे कॉलेजेस को चूज कर सकते हैं। जी, एक ये सवाल ये यहाँ पे उठता है क्योंकि देखा जाता है कि आजकल जो एक्टिविटीज हो गई, स्पोर्ट्स की बात करें और जो प्रोग्राम्स किए जाते हैं, फंक्शंस की बात की जाती है, वो भी बच्चों के लिए आजकल काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं, क्योंकि उनसे भी आजकल अपने कल्चर की जानकारी मिलती है, काफी हद तक उनसे जुड़े रहते हैं। इस प्रकार की क्या क्या एक्टिविटीज आपके कॉलेज में कराई जाती है? बिल्कुल, हमारे पास में अभी रिसेंटली जो नया सेशन स्टार्ट हुआ है उसके लिए हम नेक्स्ट वीक स्पोर्ट्स वीक कराने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारे जो भी गेम्स होते हैं, क्रिकेट गेम है, वॉलीबॉल है, बैडमिंटन है, टेबल टेनिस है, और इवन दे कैन प्ले चेस। तो ये सारे गेम्स हमने कॉलेज में नेक्स्ट वीक कराने जाएंगे। लास्ट ईयर भी हुए थे और इस बार जो फ्रेश एडमिटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम लोग स्पोर्ट्स डे ऑर्गेनाइज कराए जाएंगे। स्पोर्ट्स डे के साथ साथ जो टेक्निकल फेस्टिवल होते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अपने टैलेंट को शो कर सकते हैं, उस टाइप के फेस्टिवल भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। जी, क्योंकि ये भी एक आजकल स्टूडेंट्स के लिए जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि जिस प्रकार से हमारी सरकार भी काफी सारे जो उनके लिए प्रोग्राम्स बनाती रहती है, काफी सारी योजनाएं बनाती रहती है, जिनका उनको पूरी तरह से नॉलेज जो होती है वो कॉलेज के जरिए होती है, बाकी वो न्यूज़पेपर से जानकारी ले सकते हैं, लेकिन आजकल कॉलेज भी बहुत सारे सहयोग उन्हें प्रदान करा रहा है कि उनको ज्यादा से ज्यादा उस चीज के बारे में नॉलेज मिल सके। क्योंकि एक विश्वास के साथ जिस स्कूल में आप, जिस कॉलेज में आप एडमिशन लेते हैं, वो विश्वास आपका बना रहे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि प्रॉपर प्रोसीजर के तहत हम लोग काम करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम सारे फंक्शंस जो है, सारी स्टडी जो है, सारी फैकल्टी जो है, वो उस तरीके से हम उसको स्टूडेंट को प्रोवाइड कराते हैं। अगर हम यहाँ बात करें कि देखा जाता है कि आपके कॉलेज में इतनी सारी सुविधाएं हैं, इतना कुछ उन्होंने बच्चों के लिए सहायता प्रदान करिए, उस हिसाब से आप हमारे दर्शकों को क्या मशवरा देना चाहेंगे, क्या राय देना चाहेंगे कि वो किस प्रकार से अपनी स्टडी में चेंजेस लाएं, किस प्रकार से स्टूडेंट को फोकस करना चाहिए अपनी स्टडी पर, किसी भी प्रकार का उसके ऊपर प्रेशर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि काफी हद तक देखा जाता है कि बच्चे में इतना ज्यादा हेक्टिक उसका शेड्यूल हो जाता है कि वो अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाता, उसके हिसाब से आपका क्या कहना है? जी देखिए, एट प्रेजेंट मैं इस पे ये कहना चाहूंगा, टेक्नोलॉजी काफी बदल रही है, बिल्कुल, और स्टूडेंट खाली कॉलेज या यूनिवर्सिटी पर डेवलप नहीं हो रहे हैं, आजकल ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम्स आते रहे हैं, तो हम तो स्टूडेंट्स को टू वे टेक्निक सिखाते हैं, दे मस्ट कम इन क्लासरूम एज वेल, इनकेस इनको क्लासरूम में कहीं कोई प्रॉब्लम है तो हम उनको अदर जो मेथड्स होते हैं उनके बारे में भी उनको अवेयरनेस देते हैं। जी। क्योंकि ऑनलाइन में बहुत सारी चीजें अवेलेबल हैं, अगर उनको अवेयरनेस होगी इस चीज की तो वो ऑटोमेटिकली वहां पर जाएंगे और उनका अच्छा गाइडेंस उनको मिलेगा, क्योंकि अवेयरनेस होनी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि काफी हद तक देखा जाता है कॉलेज काफी ऐसे भी होते हैं कि पूरी तरह से स्टूडेंट्स को अच्छे से अवेयर नहीं करा पाते कि वो किस प्रकार की स्टडी यहाँ पे लेने वाला है, किस प्रकार से उसको आगे की सुविधाएं मिलेगी, तो एक कंफ्यूजन स्टूडेंट के माइंड में बन जाता है जो कि वो वहां जाके क्लियर नहीं हो पाता। इवन इनका ये भी एक अच्छा सहयोग रह सकता है स्टूडेंट्स के लिए कि वो प्रॉपर तरीके से उसको अवेयर कराते हैं क्या क्या चीजें उसको मिलेंगी, मतलब जो उनसे प्रोमिसेस किए जाते हैं वही शिक्षा उन्हें प्रोवाइड कराई जाती है, जो कि काफी हद तक बच्चों के लिए एक अच्छी बात है। क्योंकि अगर हम ये बात करते हैं, आजकल ये भी देखा जाता है कि काफी कॉलेजेस की फीस है काफी ज्यादा हाई है, जो एक मिडिल क्लास के या लो क्लास के वो अच्छे से अफोर्ड नहीं कर पाता, उस हिसाब से अगर हम बात करें, क्या गवर्नमेंट ने आपके कॉलेज के लिए कोई फीस डिसाइड की है या आपके कॉलेज खुद उसको एक तरीके का मैनुअल बना के चलता है? नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा हमारी जो फीस है दैट इज टोटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट। ओके। जो जहाँ से एफिलिएशन होता है, जिस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन होता है वहाँ से फीस डिसाइड की जाती है। जी। तो मैं कोर्सेज के बारे में डिटेल्स बता देता हूँ। जो पॉलिटेक्निक कोर्स है उसकी फीस है हमारी 28,000 पर ईयर, और जो एमबीए कोर्स है उसकी फीस है हमारी 82,500,
एंड और जो हमारा पीजीडीएम कोर्स है उसकी फीस है 91,600 एंड जो हमारा बीएड कोर्स है उसकी फीस है फर्स्ट ईयर में 51,000 लगेगी, सेकेंड ईयर में उसकी फीस लगेगी 32,000 जी, क्योंकि एक तरीके से ये भी अच्छी बात है कि प्रॉपर तरीके से जो चीज है वो आपके सामने है, आपको किसी प्रकार के धोखे में नहीं रखा जा रहा, यही आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकता है। क्योंकि बच्चों के माइंड में अगर कंफ्यूजन रहे तो वो अच्छे से अपनी स्टडी को गेन नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल जो कंफ्यूजन उनके माइंड में बन जाते तो अपना पूरा जो माइंड है वो स्टडी पे फोकस किया जाए, या क्योंकि काफी हद तक ये भी देखा जाता है मिडिल क्लास में कि फाइनेंस के कारण, फाइनेंस कंडीशंस के कारण काफी हद तक अपनी स्टडी पे अच्छे से फोकस नहीं कर पाते, जो उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि आजकल हर कोई प्रॉपर तरीके से समझदार हो चुका है, अवेयर हो चुका है, बस जरूरत एक सही राह पर चलने की। अगर यहाँ पर हम बात करें, जिस प्रकार से आपने फीस बताई उस हिसाब से गरीब बच्चों के लिए क्या कुछ सहयोग आपका रहता है, क्या कुछ उनको एक्स्ट्रा जो फैसिलिटीज है वो प्रोवाइड कराई जाती है, जिसके लिए आप आगे भी अपने आने वाले फ्यूचर में उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, क्या कुछ आपका आगे के फ्यूचर के लिए योगदान रह सकता है जी? इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि हमारे कॉलेज में हॉस्टल भी अवेलेबल है, और जो कि बिल्कुल मिनिमम चार्जेस में ओनली 500 रुपीज पर मंथ हम उनसे चार्ज करते हैं, और एंड आफ्टर दैट जो गांव के लोग हैं उनके लिए ये अफोर्डेबल रेंज है, तो गांव के बच्चे भी है। और हमने देखा गया है कि जो इस टाइम जो एडमिशन्स हुए हैं इस बार हमारे यहाँ, उनमें से गांव के बच्चों की तादाद थोड़ी ज्यादा है, तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि हमें गांव के स्टूडेंट्स भी मिल रहे हैं, और गांव के स्टूडेंट्स में एक पढ़ने की लगन भी होती है, ये चीज देखी गई है। और बाकी हमारे फ्यूचर्स में प्लान है कि हम विद इन 5 ईयर्स हम उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज की जगह हम उन्नति यूनिवर्सिटी बनाने का प्लानिंग करें, मतलब उन्नति यूनिवर्सिटी अगर बन जाती है तो ये भी बच्चों के लिए काफी हद तक अच्छी वाली बात है, क्योंकि जिन कामों में उनको आजकल देरी लगती है, अच्छे से प्रॉपर टाइम पर उनको मार्कशीट ये सारी चीजों के लिए परेशान होते रहते हैं, इधर उधर भटकते नहीं रहते, अपना कॉलेज उसी चीज के लिए अग्रसर हो जाएगा तो जाहिर सी बात है बच्चों के लिए खुशखबरी हो सकती है जी। उस हिसाब से अगर हम बात करें तो जिस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि आजकल जो उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज का स्टडी है और उसका जो आगे के लिए सपने हैं वो किस तरीके से इन्होंने हमें बताया कि साकार होते दिख रहे हैं, अगर हम ये बात करें टोटल उसकी बात करें तो फिलहाल की किस प्रकार से स्टूडेंट्स आपके कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं, किस प्रकार का अभी आपको जो देखा जा रहा है वो आपको फीडबैक मिल रहा है, क्या कुछ नई चीजें हैं? क्योंकि काफी हद तक देखा जाए तो पेरेंट्स बहुत ज्यादा सहयोग करते हैं, उनके वो भी कहते हैं कि कॉलेज आके कि काफी हद तक हमारे बच्चे में इम्प्रूवमेंट है, उस हिसाब से क्या कुछ सुनने को मिलता है जी? देखिए अभी अभी जो हमने रिसेंटली एडमिशन किए थे, हमारा सिटी ऑफिस है और F22 अखिलेश टावर है, और हमारा जो कैंपस है वो दीनदयाल धाम रोड पर है, तो हमने जो इस बार एडमिशन की स्ट्रेटेजी ये बनाई थी कि एडमिशन के लिए आप हमारे ऑफिस में भी आ सकते हैं, प्लस भी हम ग्रुप में जाकर हमने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में गए थे, वहाँ के उनके जो पेरेंट्स हैं उनके स्टूडेंट्स से इंटरेक्शन किया, इंटरेक्शन के बाद में जब हमने टोटल सारी चीज़ें उनको बताया तो उनके उनके जो पेरेंट्स थे वो काफ़ी खुश थे, और उसी जैसे ही हम वहाँ गए तुरंत उन्होंने एडमिशन के लिए एग्री हो गया, तो ये हमारे लिए एक बहुत उत्साह की बात थी कि हमें एडमिशन वहाँ जाके तुरंत ही मिल रहे थे जी। बिल्कुल, तो अगर यहाँ पे जिस प्रकार से आपने बताया कि पेरेंट्स भी खुश हैं और अच्छे से उनको एडमिशन्स भी मिल रहे थे और कॉलेज भी ऑन रोड है, बच्चों को आने जाने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती होगी जी, तो अब पर अगर हम यहाँ पे बात करें जिस प्रकार से हम प्लेसमेंट की भी बात कर रहे थे और ये भी बात कर रहे थे कॉलेज किस प्रकार से अफिलेटेड है, तो वहाँ पे आपके बारे में क्या कहना था, क्या कुछ सुझाव आप हमारे दर्शकों के सामने रखना चाहेंगे जी? देखिए मैं आप ये कहना चाहूंगा कि हमारा जो कॉलेज है टोटली अफिलिएटेड कॉलेज है और इज गवर्न बाय द रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द यूनिवर्सिटी। हमारे जो अफिलिएटेड कोर्सेज हैं वो AKTU से अफिलिएटेड डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी जो कि लखनऊ में है, बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन से हमारा पॉलिटेक्निक कोर्स अफिलिएटेड है जो कि लखनऊ में BTE का ऑफिस है, और जो हमारा BEd का कोर्स है दैट इज अफिलिएटेड टू है हमारा आगरा यूनिवर्सिटी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से है जी जी, जी। लास्ट में जो हमारा PGDM कोर्स है दैट इज एफिलिएटेड बाय द AICT। AICT ने टोटल राइट्स दिए हैं कॉलेज को कि दे कैन रन द PGDM कोर्स जी, मतलब काफी हद तक बच्चों को हर चीज के लिए प्रॉपर तरीके से हर चीज फैकल्टी प्रोवाइड की जा रही है, तो आप हमारे दर्शकों को एक जो नॉर्मल राय देना चाहेंगे कि बच्चों को इस बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी चाहिए, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट थिंग जो बच्चों के इंटर ग्रेजुएशन इंटर करके जो दिमाग में आती है वो यही आती है कि इस प्रकार से उनको एडमिशन लेना क्या जो नॉर्मल रहा है जी। मैं यहाँ पर एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि जब जैसे ही बच्चा हमारे कॉलेज में एडमिशन लेता है जो 100 का बैच बनता है या 60 का बैच बनता है उसमें हम जो फर्स्ट चीज ध्यान देते हैं वो ध्यान देते हैं उनके कम्युनिकेशन पर, हम उनको प्रोफेशनल कम्युनिकेशन सिखाते हैं जिससे कि आगे जाके अपने आप को कम्युनिकेट करना सीखें, तो फर्स्ट टारगेट हमारा ये रहता है कि दे मस्ट नो हाउ टू
कम्युनिकेट विद ईच अदर जी, मतलब एक तरीके से उसका पर्सनालिटी डेवलपमेंट भी प्रॉपर तरीके से हो जाता है, वो अच्छे से अपने आप को अवेयर रखता है, हर चीज के लिए वो फोकस रहता है, हर चीज को कैसे कैरी करना है, किस प्रकार से उसको आगे बढ़ना है, जिसमें एक फैकल्टी का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, एक कॉलेज का बहुत ज्यादा योगदान रहता है, जो आपके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो दर्शकों, जिस प्रकार से आज हम चर्चा कर रहे थे मिस्टर युगल पचौरी जी के साथ, जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर है उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज से, उनका हम बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में आने के लिए, हमें इतनी महत्वपूर्ण जानकारी से अवगत कराने के लिए, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी अवगत कराने के, क्योंकि किस प्रकार से वो एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेके एक अच्छे पद पर अग्रसर हो सकते हैं और एक उन्नति को अपने पास ला सकते हैं और उन्नति के पास भी जा सकते हैं, क्योंकि जो फ्री में बस की सुविधा है जो उनके लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, फ्री वाईफाई है, जिसकी ओर आजकल देखा जाता है हर युवा काफी हद तक आगे बढ़ रहा है। तो एक बार और हम युगल पचौरी जी का धन्यवाद करना चाहेंगे हमारे स्टूडियो में आने के लिए। दर्शकों, आज भी हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। एक बार हम आपसे फिर कहना चाहेंगे, जितनी जल्दी हो सके उन्नति ग्रुप ऑफ कॉलेज में एडमिशन्स लीजिए और अपने फ्यूचर को उन्नति के पथ पर अग्रसर कीजिए और एक ब्राइट फ्यूचर के लिए आगे बढ़ती रही। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट एपिसोड में फिर हाजिर होंगे कुछ और नया लेकर। दीजिए इजाजत, नमस्कार। हम ठीक था, जानकारी देनी होगी कॉलेज में बच्चे एडमिशन से, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो गया, इतने सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन कोर्सेज इतने सारे आ गए हैं, वहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया, नहीं तो आजकल क्लासेस लेकर ही बच्चे एसएससी बैंक में इसी तरह पर फोकस करते रहते हैं।